Day after the Congress lost Rajasthan in a big way, Ashok Gehlot's aide has blamed the outgoing chief minister for the debacle. While speaking with the Times Network, Gehlot's officer on special duty, or OSD, Lokesh Sharma, launched a scathing attack on the chief minister. Sharma accused Gehlot of cheating the high command by not allowing correct feedback to reach the top and not allowing anyone to become an alternative. he accused Ashok of of continuously taking wrong decisions and decisions and 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 out of giving tickets to his favorites and ignoring all feedback पहले थी ना आज हैं। मेरी कभी मुख्यमंत्री जी से कोई दूरी मैं महसूस नहीं करता हूँ मैंने जो पोस्ट की या जिसके बारे में जिसका हवाला दे के आप मुझसे बात कर रहे हैं वो मैंने अपनी भावना को जो मैंने फील किया जो मैंने महसूस किया उनको शब्दों में व्यक्त किया है और उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब आने वाले समय में हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना है जो फीडबैक हमने दिए थे मुख्यमंत्री जी को हमने छह महीने पहले मैंने जो भी एक्टिविटीज की पूरे प्रदेश भर में जो युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए हजारों युवाओं के साथ मैंने इंटरेक्शन प्रोग्राम्स कंडक्ट किए और वहां के लोकल स्तर पे जो फीडबैक आए वो मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ साझा किए मैंने बताया कि स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ आक्रोश है एंटी इनकम्बेंसी है अगर हमने इनके टिकट काटे और नए चेहरों को मौका दिया तो निश्चित तौर पर हम सरकार में वापसी करेंगे तो ये जो स्थितियां बनी थी कि मैंने अपने फीडबैक्स दिए और वो सिर्फ मेरा फीडबैक नहीं था राजस्थान में जितनी भी एजेंसीज ने सर्वे किया चाहे वो आला कमान की तरफ से करवाए गए हों ए की तरफ से करवाए गए हों प्रदेश कांग्रेस की तरफ से करवाए गए हों या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने राजस्थान में सर्वे किया हो सभी की रिपोर्ट्स ये थी कि चेहरों को बदलना चाहिए या टिकट काटे जाने चाहिए तो तमाम रिपोर्ट्स को तमाम सर्वे की जो फीडबैक थे उनको हमारे दिए हुए को मेरे दिए हुए को अगर दरकिनार किया गया तो वो एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से हम सरकार में वापसी नहीं करवा पाए जो फीडबैक्स इतने सारे थे मंत्रियों को लेके कि ये लोग नहीं निकलेंगे आगे ये लोग नहीं जीत पाएंगे तो क्या फेवरेटिज्म के ऊपर टिकट्स दिए गए हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की हटधर्मिता थी या उनकी जीत थी कि इन लोगों को ही वापस प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए या इनको टिकट दिया जाना चाहिए

उनमें से हमारे दो माइनॉरिटीज के कैंडिडेट अमीन आ, अमीन कागजी और रफीक खान साहब जीत गए एमएलए का चुनाव बीजेपी के लोगों ने रातों रात जो ये प्रचार किया कि यदि आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप मुसलमान बन जाओगे बीजेपी के लोगों ने जो ये पाप किया झूठा प्रचार किया आप मुसलमान बन जाओगे ऐसे में पब्लिक को अवेयर होने की ज़रूरत है मैंने वोटर को समझाया था वोटर हमें बहुत रेस्पॉन्स दे रहा था हमारे काम का सम्मान कर रहा था मैंने कहा था आप बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठिए आप काम के आधार पर सच्चाई के आधार पर ईमानदारी के आधार पर वोट दीजिए लोगों ने काम के आधार पर वोट नहीं दिया और ध्रुवीकरण बिल्कुल किया उन्होंने और उसमें वो कामयाब रहे दुख इस बात का है कि आप जिस पब्लिक की पांच साल तक सेवा करते हैं काम करते हैं काम कुछ बाकी हमने रखा नहीं वो पब्लिक यदि लास्ट में ध्रुवीकरण के आधार पर वोट देती है और वो ये नहीं देखती कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है जिस राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू है जिस राज्य और केंद्र में सरकारें हिंदुओं की है वहां बीजेपी हिंदू को खतरे में बताकर हिंदू को सबसे कमजोर साबित करके वोट लेती है तो राजस्थान की जो वर्किंग थी कांग्रेस की सरकार की हर शहर हर गांव, कस्बे में तो गाँव में तो हमें रिजल्ट आया है शहरों के ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो ध्रुवीकरण में ज्यादा फंसे